नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बुड्ढे की फिल्म आई है, अभी अभी ट्रेलर आया है, जिसका नाम है जवान। बुड्ढे एक्टर का नाम है शाहरुख खान, फिल्म का टाइटल लेकिन लिया है इन्होंने जवान। और जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा और देखने के बाद डिसलाइक इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पठान का रीमेक लग रही है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मिलती जुलती सी लग रही है पठान से। दिखाने के लिए इन्होंने साउथ के भी दो एक्टर को ले लिया है, जिसका एक का नाम है विजय सेतुपति, एक और एक का नाम है नयनतारा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है बॉलीवुड वालों को कि भाई साउथ का तड़का तो हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में जरूरी है भाई, क्योंकि लोगों को बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा साउथ के एक्टर से कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा है कि थोड़े बहुत साउथ के एक्ट्रेस को भी डाल लिया जाए, तो इस चक्कर में वो अब साउथ के एक्ट्रेस को भी ले रहे हैं। बाकी चार साल शाहरुख खान जब घर पे बैठा था, कोई फिल्में नहीं कर रहा था, तो उसको समझ में आ गया, उसने गहन अध्ययन किया और हमें फर्जी सूत्रों से पता चला है कि शाहरुख खान ने चार साल में जो रिसर्च करी उसे समझ में आ गया कि ऑडियंस चूतिया हो चुकी है। और ऑडियंस पहले फिर भी थोड़ी बहुत समझदारी की फिल्में देख लिया करती थी, थिएटर में जाने वाली ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब ऑडियंस को चाहिए सिर्फ मास। शाहरुख खान ने देखा कि ये साले सब KGF, RRR, ये चुतिया एक्शन के पीछे पब्लिक पागल हो रही है, इनको कहानी से कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ चुतिया एक्शन से मतलब है, जिसमें फिजिक्स की कोई लेनी देनी होना, बस कहानी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। दो चार दीपिका की कमर हिलवाऊंगा, दो चार ठुमके लगवाऊंगा, सिलिकन पहन के बॉडी दिखाऊंगा। हालांकि उसकी है नहीं, लेकिन उसने सोचा सिलिकन पहन के बॉडी दिखा दूंगा, लोगों को और चाहिए क्या, कहानी से कोई मतलब थोड़ी। पठान पिक्चर की कौन सी कहानी थी, कहानी तो थी नहीं कुछ भी, तो इसमें भी कहानी कुछ है नहीं है, बस मास, बड़ा स्केल दिखाओ, मास दिखाओ, पब्लिक में पहले ही बता दो भाई साहब ग्रैंड ओपनिंग होने वाली। एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी शाहरुख खान ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया भाई। शाहरुख खान को समझ में आ गया कि आजकल कपिल शर्मा शो में जाना बेवकूफी है, वहां ये नए नए नल्ले ठल्ले जितने भी है, विकी कौशल हो गया और दूसरा क्या नाम है उसका, कार्तिक आर्यन हो गया, ये रह गया इनके लिए जगह, और इनकी भी फिल्में कुछ चल नहीं रही है वहां जाके, फ्लॉप। शाहरुख खान को समझ में आ चुका बेटे ये डिजिटल दुनिया है, ये इंस्टाग्राम पकड़ लो, इंस्टाग्राम पे ये भड़वे बैठे ना 1,000 रुपए वाले, इनको पकड़ लो और इनसे पोस्ट करवाओ, बिगेस्ट ओपनिंग होने वाली है साल की, हो नहीं लेकिन फैला दो शहर में, पहले ही शोर मचा दो कि भाई साहब सबसे बड़ी ओपनिंग पठान के बाद जवान की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी, और धनाधन देखो इसके बाद तुम्हारी मार्केटिंग कैसे जोर शोर से फैलती है। तो भाई यही है बुड्ढे की फिल्म का राज, बिजनेसमैन आदमी है, चलनी तो है ही, देखो यार चला देगा वो, बिजनेसमैन आदमी है भाई। जैसे आज की रेट में अडानी ने अपना हर बिजनेस चला रखा है ना, ऐसे ही शाहरुख खान भी एक फिल्मों का बिजनेस करने वाला सबसे बड़ा बिजनेसमैन आदमी है भाई, और ये बंदा बिजनेस चला देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये बंदा बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग है। इसको ये नहीं है कि मतलब वो अच्छी फिल्में बना रहा है, नहीं, पब्लिक को जैसी पसंद है वैसी बना के फेंक रहा है। पब्लिक को जब चूतिया टाइप का सिनेमा दिखना है तो दिखाएगा, वो पब्लिक का टेस्ट है ना भाई, जैसा पब्लिक का टेस्ट है, जैसी डिमांड है, सप्लाई भी तो वैसी करेगा। तो यही है पब्लिक का चूतिया सा टेस्ट है, चूतिया चीज बना के पब्लिक के सामने परोस देगा, बात खत्म, दैट्स इट, ओके टाटा बाय बाय, घर जाओ अपने।